वैसे देखा जाए तो पुष्पा के साथ साथ इस साल और भी बड़ी मूवी आने वाली, और उसमें से सबसे बड़ी मूवी प्रभास की मूवी है जिसका नाम है कल्कि। इसकी बहुत चर्चा हो रही है। अबे पुष्पा के साथ मेरा क्लैश होने वाला है, बीच में कल्कि कहां से आ गया? इतना इंतजार तो डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं कर रही है जितना इंतजार मेरे फिल्म का कर रहे लोग। समझ रहे हो क्या, मेरी फिल्म की हाइप सबसे ज्यादा है। मैं भी कर रहा हूँ भाई आपकी फिल्म का इंतजार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जल्दी से आपकी फिल्म को रिलीज कर दो। मैंने सालार को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, आपकी कल्कि को भी मेरे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। उसके बाद एक मीटिंग करेंगे अपन, मेरे पास एक स्टोरी है, मेरी फिल्म साइन कर दो आप। रूम में मीटिंग करेंगे मेरी, मैं वहाँ पे कल्कि की रिलीज डेट भी बताऊंगा, ठीक है? मेरे रूम पे ही मीटिंग होगी, ठीक है? रूम में मीटिंग होगी क्या? फिर रहने दो भाई, मेरे ऑफिस में मीटिंग करेंगे ना, वीडियो कॉल में मीटिंग कर देंगे। वैसे मुझे इतना कोई घाई नहीं है, आप अपनी फिल्म आराम से रिलीज करो, कोई चिंता नहीं है मुझे। लेकिन इस साल पुष्पा की चर्चा होगी सर, और पुष्पा भाव के सामने सबको झुक के रहना पड़ेगा। अपन के सामने सारी दुनिया झुकती है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरे स्टारडम के आगे सब फेल है, मुझसे टक्कर मत लो। पुष्पा समझ के लूना का टायर समझा क्या? लूना का टायर नहीं, ट्रैक्टर का टायर है मैं, फायर है मैं फायर। टीजर और ट्रेलर तो सब रिलीज करते हैं, असली किंग वो होता है जो ऑडियंस को थिएटर में लेके आता है, चाहे उसकी फिल्म की स्टोरी कैसी भी हो। स्टारडम बहुत जरूरी है, समझ गए क्या? ऑडियंस तो मेरे फिल्म BMCM देखने को भी आने वाली है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए सब लोग वेट कर रहे, सबसे पहले तो मेरी फिल्म देखेंगे लोग। हाँ बड़े मियाँ, हमारी फिल्म की हाइप कम नहीं है। साला मेरे खोपड़ी में आज तक ये बात समझ में नहीं आई, ये हाइप कैसे चेक करते हैं लोग? इसका ग्राफ कहाँ पे रहता है? इसका भी कोई स्टॉक मार्केट है क्या? मुझे कोई बताएगा क्या, मैं भी देखूंगा। अबे तो नहीं समझेगा, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अपन को लगता है कि इस साल सबसे ज्यादा हाइप 3 फिल्म की है, उसमें आती है पुष्पा, कल्कि और एक शेट्टी की फिल्म है ना। अच्छा मेरी फिल्म, हाँ मेरी फिल्म सिंगम भी है, उसकी भी हाइप है। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं ऋषभ शेट्टी की कांतारा की बात कर रहा था। तू मेरे सिंगम को हल्के में ले रहे है ना, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि सिंगम बॉलीवुड में ऐसा धमाका करेगी कि सारे रिकॉर्ड फेल कर देगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन सर्कस फिल्म देखने के बाद मैं डिसअपॉइंट हो गया मालूम, इसलिए अब थोड़ा सा भरोसा कम है। अब जब तक फिल्म का ट्रेलर नहीं आता तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता भाई। कभी भी किसी के पिछले फिल्म से उसे जज नहीं करते, क्या पता उसकी अगली फिल्म सिंगम हो, और सिंगम फिल्म बहुत बढ़िया बनने वाली है, मेरी गारंटी है। बात बता दो, मैं भी सिंगम के साथ हूँ, पठान भी सिंगम के साथ है, जवान भी सिंगम के साथ है, और टाइगर भी सिंगम के साथ है। मैं भी सबके साथ हूँ, बॉलीवुड हो या साउथ हो, मैं सबके साथ हूँ। सबके साथ रहने का फायदा होता है मालूम है क्या? बॉक्स ऑफिस मैटर नहीं करता, दोस्ती मैटर करती है। कौन कितने रिकॉर्ड तोड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा हाइप कल्कि की है, कल्कि फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में। हाँ भाई मैं भी यही मानता हूँ, कल्कि फिल्म की चर्चा ज्यादा है। तू कितनी भी मेरी तारीफ कर रहे, लेकिन मैं तेरे साथ फिल्म नहीं करूंगा। वो छोड़ो, अब ऑडियंस बताएगी। बताओ दोस्तों इस साल कौन सी फिल्म की हाइप सबसे ज्यादा है, कमेंट करके बताइए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।